हाँ सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास कुमार कुमावत है। विकास जी, कैसा लेवल आया? सर, लेवल की अगर बात करें तो लेवल इतना टफ नहीं था। एग्ज़ाम जो एक टेंथ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसी टाइप का एग्ज़ाम आया था। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ सारे के सारे क्वेश्चन ही हाई लेवल के थे। सब लोअर देन लोअर, मतलब बहुत क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत मॉडरेट थी। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उसमें सारे टॉपिक कवर नहीं है। शायद तक जो उसमें मैंने क्वेश्चन जो देखे वो तो CI SI इसी के थे, और परसेंटेज परसेंटेज का भी एक आधा सवाल आया था बस। कोई DI या फिर ग्राफ से क्वेश्चन आया? हाँ, ग्राफ के क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे ग्राफ के, ओनली केवल टू क्वेश्चन थे ग्राफ के। और GK की बात करें तो करंट अफेयर्स कितना आया? करंट अफेयर पूरा कवर किया था, अच्छा खासा। करंट अफेयर के अंदर तो जो लास्ट 3 मंथ के थे वही लगभग कवर भए पूरे 3 मंथ के। उससे पुराने नहीं थे। 19 का नहीं है? नहीं, 19 के नहीं थे। okay, और आने वाले उनके थे, उनका भी पूछा गया कि आगे आएगा जो इवेंट होने वाले हैं उनके पूछा गया। टोटल कैसे कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए वो 94 का अटेम्प्ट किए। 94 तो बहुत ही। तो 94 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे आप? मेरी एक्यूरेसी है वो मैं जानता हूँ, मेरी तो 90-95% एक्यूरेटी ही है। और वो भी एक दो क्वेश्चन था वो GK से थोड़ा ऐसा हो सकता है गलत हो जाए, बाकी मैथ तो बहुत सिंपल थी, रीजनिंग बहुत सिंपल थी, तो वो तो गलत होने के चांस ही नहीं है। जी सर, ऑल द बेस्ट आपको मेंस के लिए। थैंक यू। आपका? मेरा शुभ नाम है देव नारायण मीणा। हाँ जी, कैसा लेवल आ रहा है सेकंड शिफ्ट में? हाँ, सेकंड शिफ्ट में बढ़िया लेवल आ रहा है, लेकिन थोड़ा क्या है GK नहीं आती मेरे को, तो मैथ आती है और रीजनिंग आती है। मैथ और रीजनिंग का तो ठीक है लेवल। ओके, तो GK में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस के ज़्यादा आए क्या? नहीं, साइंस के तो नहीं है, ये क्या है पॉलिटिकल के और एक ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ज़्यादा आ रहा है, तो साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए? साइंस के क्वेश्चन आए हैं। कितने लगभग आए हैं? 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन आए। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आ गए? करंट अफेयर्स के भी इतने आए, 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन आए, तो पुराना भी आ रहा है क्या ज़्यादा करंट अफेयर्स? नहीं, पुराना नहीं आ रहा है। 2020 का है? हाँ, 2020 का है। ओके सर, कितने अटैम्प्ट किए आपने? मैंने 56 अटैम्प्ट किए। 56 अटैम्प्ट किए। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। ठीक है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अंकित है। अंकित जी कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। कैसा लेवल आ रहा है सेकंड शिफ्ट में? सर, बिल्कुल इजी लेवल है, मतलब इजी लेवल है। जिसने तैयारी करी है, थोड़ी बहुत मॉक टेस्ट भी लगाए ना, 2-4 भी, तो आराम से इजीली कर सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि सभी लोगों को GK से बहुत डर रहता है, तो GK में कैसे कैसे क्वेश्चन आए? GK में ऐसे इजी क्वेश्चन थे, जिसको नॉर्मल नॉलेज है ना वो कर सकता है। जैसे लाइक अब जैसे क्वेश्चन याद आ रहा है तो बता दीजिए। क्वेश्चन याद है, जैसे लाइक अमेरिका में जैसे कंट्री दे रखी थी, उसमें नॉर्थ अमेरिका में 3-4 देश दे रखे थे, मतलब छोटे छोटे, तो उन्हें बताना था कौन सा शहर सबसे बड़ा है। जैसे उसमें एग्जांपल दे दे, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ब्राजील, और 4 ऑप्शन थे, एक पता नहीं है, ऐसे थे। और कोई साइंस का क्वेश्चन या करंट अफेयर्स का याद आ रहा आपको? साइंस एक रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे एक नई दिल्ली का संबंध जैसे भारत से है, उसी तरह चीन का किससे है, तो बीजिंग हो जाएगा ना, बीजिंग हो जाएगा। ओके, और जैसे मैथ का एक क्वेश्चन था, उसमें 22.5% से किसी संख्या को डिक्रीज कर दिया तो वो संख्या 217 हो जा रही है, तो वो रियल संख्या कितनी है? मूल संख्या वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज के बेसिक टाइप से। और उसके अलावा जैसे लाइक 3 कैंडिडेट दे रखे थे, उसमें पर्टिकुलर दे रखा था ए इतने दिन में करता, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो फिर उसमें ये था कि जैसे लाइक अपन को पता लग जाए टोटल कितना करना है, तो ए और सी मिल गया अगर उस काम को करे तो कितने दिन में कर सकते हैं। ओके, मतलब बेसिक टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं है। बेसिक टाइप से है। ओके सर, कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर, मैंने तो 94 किया था। 94 में सर क्या एक्यूरेसी से बोलेंगे आप? सर मतलब 88 बोल सकता हूँ। 88 आपके परफेक्टली राइट है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। सर कैसा लेवल आ रहा है? ठीक है, मीडियम लेवल है, कह सकते हैं अपन को। हाँ, तो GK की बात करें तो करंट अफेयर्स क्या क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है क्या आपको? करंट में काफ़ी कुछ आया, जैसे अभी अपने 26 जनवरी को जो कौन से राष्ट्रपति आए थे, कहाँ से बुलाए थे, एक वो आया है। उसके अलावा अभी जो अटल सुरंग का जो वर्तमान में इनोग्रेशन किया था मोदी साहब ने, तो वो आया है। उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे अपने एक नेशनल पार्क आया है जिम कार्बेट का, और उसके अलावा मैं 2019 की करंट अफेयर्स आ रही है क्या? 2019 की करंट अफेयर नहीं आई। और सर टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आपको। ओके, थैंक यू। मैथ की बात करें, सेकंड शिफ्ट में मैथ कैसी आ रही है? मैथ तो सर वैसे डीपली आ रही है, उसे कुछ एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल आ रहे हैं। okay. और वैसे ठीक आ रहे हैं। ग्राफ DI वगैरह से आ रहा है कुछ? बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? चंद्रशेखर यादव। चंद्रशेखर जी कहाँ से हैं? जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं, तो कैसा लेवल आ रहा है? लेवल बिल्कुल इजी है, बस रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन है वो बहुत बड़े दे रहे हैं, ताकि पढ़ने में टाइम लगे और हमारा टाइम वहाँ वेस्ट हो सके, तो हमें
हमें सोचना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना है, लास्ट में करना। और जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि जीके की सीरीज वाइज आ रहा है कि मिक्स आ रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैथ तो लास्ट में मैथ आ सकता है, सारा मिक्स आ रहा है, कोई भी कहीं भी आ कहीं भी आ सकता है। नरेश कुमार, नरेश जी कैसा लेवल आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, मीडियम साइज है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है। जैसे कि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कितने आ गए? कथन निष्कर्ष टाइप से कम से कम 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। और नंबर सीरीज में बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में 7-8 वो क्वेश्चन है, 7-8 है। क्या नाम आपका? टिंकू जांगड़। टिंकू जी कहाँ से हैं? बहरोड से। बहरोड से हैं, ओके। तो टिंकू जी कैसा लेवल आ रहा है? नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल आ रहा है। तो जीके की बात करें तो जीके में कैसे सेक्शंस आ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। करंट लगभग कितने क्वेश्चन आ गए करंट के सर? लगभग 20-25 क्वेश्चन करंट के हैं। 20 क्वेश्चन आ गए, ओके। साइंस का मैथ बात, तो सर आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं। 80 अटेम्प्ट किया है, तो सर ऑल द बेस्ट आपको। जी सुभाष। सर कैसा लेवल आ रहा है? जी सर अभी तो नॉर्मल आ रहा है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? सर 85। 85 सर कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80। कितने अटेम्प्ट किए सर आपने? 75। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? 80। वेरी गुड सर। सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 80। चलिए कैबिन में भी देखते हैं, कैबिन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 79। ओके सर, चलिए आइए आइए। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया आपने? 80। आपने? 70। चलिए ऑल द बेस्ट आपको। मैम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 60। ओके सर, आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? 70। ओके मैम, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 70। ओके, सभी लोगों ने खिड़की लगा ली है कि पता ना लगे कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलो सबकी खिड़की खुलवाते हैं। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? खिड़की खोली है? ओके नहीं खुलेगी ये। सर हाँ जी सर, खोल लगे खिड़की। जाम है सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 81। ओके चलिए सबकी खिड़कियाँ खुल चुकी हैं। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 80 क्वेश्चन। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? 87। 87 मैंने आपने? 76। चलिए ऑल द बेस्ट सर आपको, सभी को। सभी बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं। चलिए मेरे ड्राइवर से पूछ लो। हाँ ड्राइवर साहब, सब बच्चे खुश लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं। पेपर कैसे जा रहा है इनका? जब जा रहा हूँ। मस्त जा रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश। ओके सर, थैंक यू। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि 29 दिसंबर का सेकंड सेम का पेपर भी इजी आया, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशंस की है तब आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना, इसी तरीके से रिव्यूज़ देखते रहो और अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना। आपको काम करना है करंट अफेयर्स पे भी, साइंस पे भी और मैथ की कैलकुलेशन पे भी, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल की शिफ्ट में सुबह, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।